अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल क्या हर चैलें जी आप सबके आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे सब एक साथ मुबारक और इंशाल्लाह आप सब की ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी अच्छा जी जैसे मैंने पोस्ट में पोल लगाई थी कि जी आपको मेरा ईद व्लाग देखना है या देखनी है जी ड्रेस डिजाइनिंग तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ उसके बाद जी आपके साथ मैं अपना थोड़ा बहुत जो है ना वो ब्लॉग शेयर कर दूँगी तो ये है जी मेरा ईद का ड्रेस और ये है क्रिम्सन का सी ग्रीन कलर में अच्छा वैसे पिंक कलर है इसका बहुत फेमस हुआ हुआ था लेकिन मैंने जी आ, ये चूज किया आ, सी ग्रीन टाइप कलर है इसका फ्रोजी टाइप सा बड़ा ही प्यारा कलर है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे अच्छा स्लीव्स का अलग से एक छोटा सा, सा फ्रंट साइड पे पैनल या पैच कह सकते हैं वो आया था उसके बाद जी ऊपर वाली साइड पे देखें आप यहाँ पे जी मैंने ये वाली लेस जो है इसके अंदर फिल की है और ऊपर का कपड़ा जो है वो इतना यानी कि मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके कपड़ा ऊपर वाली जो स्लीव्स का ऊपर का कपड़ा था उन पर एक पले पर जी इस तरह से पिंटेक्स डाल के और ऊपर फिर जो है ना वो एक सीढ़ी टाइप की लैस उसके अंदर फिल की है और इस तरह से मैंने ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है जो कि आपके सामने है अच्छा जी ये जो लेसेज़ मैंने लगाई हैं ना इसके ऊपर ये इसके साथ नहीं थी और ना ही जी ये जो फ्रंट पे आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने ख़ुद से लिए थे अच्छा और ये होगी जी इसकी स्लीव्स और फ्रंट टाइप से जी फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है सामने फ्रंट साइड पर जी बनाई है एक स्लिट बोटनेक के साथ और उसके ऊपर ये इस तरह वाले जी छोटे छोटे बटन्स हैं जिनके साथ दो दो तीन दिन पस जो है ना वो हैंग हो रखे हैं और वो जी मैंने इसके ऊपर लगाए हैं तो फ्रंट से ये देखें जी फ्रंट लुक इसकी इस तरह की है और नीचे से इसको बिल्कुल जो इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था ना कुछ लोगों ने चेंज करके भी बनाया लेकिन मैंने बिल्कुल इसको ऑरिजिनल स्टाइल में बनाया था जिस तरह से कि इसकी इनले कार्ड पर जो बना हुआ था फ्रंट पर यह चीज़ लगी हुई थी ठीक है लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ तक लगाया था ये वाला पैच मोटिफ जो है वो इस तरह से बॉर्डर पर लगाए हुए थे और नीचे का दामन जो है वो मिस करके यानी कि उसकी स्लीव्स बनाई गई थी लेकिन मैंने स्लीव्स में थोड़ा सा जॉइंट लगा के उसको वो थोड़ा सा बना लिया था उस तरह से फिटिंग में और फिर वो वाला एक बाजू का पैच जो था ना वो उसको मैंने दामन पे लगा दिया और ये देखें जी ये फिर इस तरह से ना वो बना हुआ था चिकनकारी बनी हुई है फ्रंट पे और फिर इसके अंदर जी मैंने स्लीव्स लगाई है और स्लिप लगाई है और ये है जी इस तरह से डिज़ाइन साइड पे जो है वो मैंने जिस तरह इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट कलर सी टी पिंक कलर का आ रहा था तो उसकी मैंने जी कर दी है पाइपिंग और ये देखें जी इतना प्यारा कोई लग रहा था ना खूबसूरत पहनने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था अच्छा सबसे मज़े की जो आ, इसकी जो मुझे लगी खुद कुछ डिज़ाइन मुझे खुद बना के पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं तो ये है जी इसकी बैक साइड और बैक साइड पे देखिए मैंने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है एक मोटिव था जस्ट इसकी बैक साइड पे क्योंकि फ्रंट साइड बहुत हैवी बना हुआ था तो जी ये ये देखें यहाँ पे से मैंने इस तरह से वी में कट किया इसको और फिर ऊपर वाले कपड़े के ऊपर हाफ इंच से मतलब हाफ इंच से एक पॉइंट ज़्यादा कह सकते हैं कि सिक्स पॉइंट पे मैंने जी सारी ऊपर प्लेट्स डाली हैं उसके बाद फिर से मैंने ये देखिए जो बाजू में लैस लगी हुई है वही मैंने यहाँ पे फिल की है जॉइंट में और साथ में इस तरह से ये दो दो पिनटेक्स डाल के और इस तरह से जी मैंने इसको डिज़ाइन किया है अच्छा सबसे पहले मैंने ऊपर वाला आ, सारा कर लिया था सिलाई का काम का यानी कि पिनटेक्स वगैरह डाल के जॉइंट करके उसके बाद मैंने फिर जी ये जो मोटिफ है ये वाला मोटिफ बाद में लगवाया था भेज के और ये देखें जी ये है इसकी बैक साइड का जो नीचे का दामन है और ये भी इसके साथ मिला था एक पैच तो ये मैंने इसके बैक साइड पे अटैच किया है और इसको इसी तरह से ये देखें जी आप कट वर्क के साथ यानी कि मैंने इसको बैक साइड पर लगाया था और जी कट वर्क बनाते हुए मैंने इसको फ्रंट साइड पर पलट के और फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई थी तो इस तरह से ये गुम सिलाई हो जाती है और बिल्कुल भी नीचे से नज़र नहीं आती और बहुत ही नीटनेस आती है इसके साथ तो ये है जी शर्ट अब ये देखिए इसके साथ ट्राउज़र है और बिल्कुल सिंपल सा एक ट्राउज़र है थ्री थ्री मतलब इस तरह से क्रिस क्रॉस में इसके ऊपर मैंने पिंटेक्स डाल दी हैं अच्छा ये डिज़ाइन तो काफ़ी पुराना कह सकते हैं आप इसको लेकिन मैंने अभी तक ये वाला डिज़ाइन बनाया नहीं था तो इसकी बैक साइड के साथ कुछ मिलता जुलता था तो फिर इसलिए मैंने ये वाला ना ट्राउज़र पर बना दिया तो ये ट्राउज़र का फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखता है और वैसे आप लोगों ने मेरी फाइनल लुक तो देख ही ली है तो चलें जी अब चल हैं कि मैं आपको अपना ब्लॉग थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि पोल जब मैंने लगाई थी तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि जी ब्लॉग के साथ साथ डिजाइनिंग भी तो इसलिए फिर बैठिए मैंने अपना सारा व्लॉग जो है ना चांदराज से जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो वो मैंने अभी एंड पेज के लगा दिया तो जी एज़ यूजल Uh, मेहंदी लगाने से हमारी जी ईद जो है वो स्टार्ट हो गई थी और फिर जी मैंने अपनी बेटी को मेहंदी लगाई थी सबसे पहले चांद रात पे और उसके बाद साथ साथ मैं खीर बना रही थी और खीर बनाने के साथ साथ फिर जी मैंने अपने इस हाथ पे लगाई मेहंदी और ये है जी इसका कलर अच्छा कलर बहुत प्यारा आया था जो मुझे पसंद है रेड रेड सा और वैसे हमने करना ही क्या होता है तोने तो, तो पांडे ही होते हैं हमने ईद पे वैसे मेहंदी लगा के भी तो ये जी मेहंदी लगाने के बाद मैंने रात को मैं खीर बना ली थी लेकिन मैंने इस तरह से बाउल में सुबह को निकाली थी ये एक तो हैवी गर्म गर्म थी और दूसरा ना काफ़ी देर हो गई थी तो जी फिर मैंने इनको सुबह जब ठंडी हो गई थी तो इस तरह से बाउल में डाल के और फिर जी ऊपर से पिस्ता और काजू पिस्ता बादाम के साथ इसको गार्निश कर दिया और जी इस वक्त बज रहे थे सुबह के तकरीबन पाँच पाँच बजे मैं उठी थी साढ़े पाँच बज रहे थे और फिर जनाब साथ साथ जो है वो मैंने इनको कपड़े शपड़े निकाल के दिए और ये लोग गए चले थे जिन नमाज पढ़ने मेरा बेटा और हस्बैंड तो उनके आने से पहले मैंने ये सारी तैयारी कर ली थी कि पूरा मैंने लॉन्च जो है वो मैंने धो दिया था खाली कर दिया था सोफ़े शोफ़े इधर उधर हटा के चीज़ें चीज़ें और ये सारी पूरी फुल मैंने तैयारी कर दी थी और उसके बाद आते ही साथ जी थोड़ी देर बाद अलहमदिल्ला की हमारी कुर्बानी जो है वो हो गई थी अल्लाह ताला कबूल करे हमारी कुर्बानी के साथ साथ आप सब की भी और उसके बाद जी बारी आती है सबसे पहले तो कलेजी की तो कलेजी जो है ना वो बेशक हम जो कसाई हमारे भाई आते हैं ना वो करने वो जी इस तरह से कलेजी जो है ना वो पूरी निकाल के पहले भेज देते हैं और उसके बाद जी गोश्त को ना इस तरह पीसेस में करके हवा में थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो इसकी ना कलेजी काटने की जो है ना वो ज़िम्मेदारी हम पे ही होती है यानी कि मैं खुद ही काटती हूँ इस तरह से इसको छोटे छोटे क्यूब्स में और उसके बाद जी ये इस तरह से क्विक सी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऑयल में अदरक लहसन किया और उसके साथ कलेजी डाल दिया कलेजी डाल दी थी पहले और उसके के बाद जी साथ ही इसके मैंने अदरक लहसन डाल दिया है और अदरक लहसन जो है ना वो शान का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों में बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो फिर जी मैं इस तरह से ये यूज़ कर रही हूँ बस थोड़ा सा इसको फ्राई किया है और इसके अंदर डाल दिए है जी थोड़ी से आ, चिली फ्लेक्स और बस इसको तो, इसको ना इस तरह करना है कि ये तकरीबन हाफ टन हो जाएगी जब हाफ टन हो जाएगी तो उसके बाद इस तरह के स्पाइसेस जो हैं वो जैसे मैंने अभी ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर और साथ में जी मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दी है और नमक भी इसी स्टेज पर डाल दिया था नमक नमक पहले नहीं मैं डालती उससे क्या होता है कि सख्त हो जाती है तो फिर जी तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाली होती है तो फिर उसके बाद डालती हूँ साथ ही मैं और ये जी हमारी कलेजी जो है वो तैयार हो गई थी और उसके साथ साथ जिस तरह के ईद पे सबके घरों में पकवान बनते हैं उसी तरह से थे हमारे घर में भी लाइक तिक्का पार्टी थोड़ी सी बारबेक्यू किया था और साथ में जी आ, जो खाने जो है ना वो साथ, साथ बनते जा रहे थे लेकिन इस दफ़ा बहुत हाथ रोक के मैंने बनाए थे कि मतलब इन दिनों में सावन बरसात है तो जी पेट शेट ख़राब होने का जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं तो इसलिए फिर मतलब एक एक चीज़ जो थी ना वो एक एक दिन में की थी जैसे कि ईद के, के दूसरे दिन हम लोगों ने ये बनाए थे दिन में और शाम में क्या था शाम में थोड़ा हल्का फुल्का था वही जो मैंने यानी कि खीर वगैरह या चीज़ें चीज़ें बनाई हुई थी ना वही खाया था और ये देखें जी चप्पल कबाब का मसाला मैंने बनाया था और मैंने टेस्ट करना था कि इसमें मतलब मिर्च मसाला ठीक है तो फिर मैंने इसी तरह से इसको ये इसमें डाल के तो इसको ग्रिल किया था और ग्रिल करने से तो टेस्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था चप्पी कबाब होगा तो ये है जी यहाँ पे हमने बनाए थे टिक्के और साथ में ये देखिए इतना मज़े का इसके ऊपर टेक्सचर इसकी शक्ल जो है ना वो देखने में बड़ी मज़े की लग रही थी और टेस्ट में भी बड़े ही ज़बरदस्त थे तो अभी मैंने बना के रख दिया था तो मैं सोच रही थी कि सेकंड टाइम भी इसी तरह से इनको ग्रिल कर लूँगी और थर्ड डे पे जी मैंने सुबह उठते ही फिर मैंने बना दिया था सुबह उठते ही मतलब नौ साढ़े नौ बजे मैं उठी थी तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो किचन क्लीन किया और क्लीन करने के बाद मैंने जी कढ़ाई रखी पहले सबसे आ, और इसके साथ साथ जी मैंने बनाए मीट बॉल थोड़े से इनको जी मैं बनाऊंगी इनकी मैं बना रही थी स्पेगेटीज तो स्पेगेटीज और मेक्रोनीज मिक्स करके और उसके अंदर मैंने जी ये मीट के बॉल जो है ना वो बना के डाले थे उस तरफ जी बन रही है कढ़ाई और इस तरफ मैंने पुलाव के लिए रखा हुआ था गोश्त तो जी बस वो गल गया और इस तरह से जी हमने लंच किया और जुम्मा भी था तो जुम्मा लेट हो गया था फिर Uh, मतलब खाना जो है ना वो थोड़ा स्लेट खाते हैं यानी कि जुमा पढ़ के आके और उसके बाद जी मैं रेडी शेडी हो के फिर हम गए रेलिटिव के हाँ ईद शीत मिलने और इस तरह से जी हमारी ईद जो है वो अलहमदिल्ला गुजर गई अच्छे से इसके साथ जी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और मेरी छोटी छोटी खुशियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने अपनी ईद जो है वो कैसे सेलिब्रेट की तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय